निकोला टेस्ला का एक कोट है कि अगर आप इस यूनिवर्स के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो ऊर्जा, वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी के आधार पर इसे समझिए। इसी तरह से अगर आप सोल वर्ल्ड को जानना चाहते हैं, आत्मा को समझना चाहते हैं, तो उसे भी ऊर्जा के स्तर पर ही समझिए, क्योंकि हकीकत में ये पूरी प्रकृति, ये सब ऊर्जा का ही एक ठोस रूपांतरण है। हम जो अपने आप को शरीर में देख रहे हैं, हकीकत में हम सोल हैं, हम भी एक ऊर्जा है, लेकिन हमारी जो जो ऊर्जा हमने क्रिएट करी उसके आधार पर हमें एक शरीर मिला। इसी तरह से सोल वर्ल्ड में भी जब हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, छूते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो ऊर्जा के आधार पर ही हो रहा है, उसी के स्तर पर हो रहा है। अब जैसे कि कुछ पिछली पुरानी कड़ियों में मैंने कहा था कि इस प्रकृति में जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, इनका निर्माण उच्च स्तरीय आत्माओं के द्वारा किया गया है, परमात्मा के द्वारा नहीं किया गया है। ऐसे समझिए जैसे कि छोटे बच्चे को रंग बिरंगी क्ले, मिट्टी, पानी, कलर्स, ड्राइंग शीट सब कुछ लाकर दे दिया गया है। अब ड्राइंग उस बच्चे ने तैयार करनी है। अब उस बच्चे की कलाकारी है कि वो क्या और कैसे तैयार करता है। इसी तरह से सोल वर्ल्ड में उच्च स्तरीय आत्माओं को एक तरह से ऊर्जा प्रदान की गई है। ये बहुत सरल शब्दों में, इसको आप डिटेल में समझेंगे तो पुरानी वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। और उस ऊर्जा से, उसमें अपनी ऊर्जा को जोड़ते हुए वो जीव जंतुओं का या पेड़ पौधों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन असली जो प्रोडक्ट है, वो क्ले, वो कलर्स, वो ड्राइंग शीट, उसका निर्माण टीचर के द्वारा किया गया है। तो इसी तरह से जो ऊर्जा हम सोल्स को प्रदान की जाती है, फिर उसके आधार पर उसमें अपनी ऊर्जा को जोड़ते हुए हम आगे निर्माण कर रहे हैं, लेकिन वो ऊर्जा हमें परमात्मा द्वारा प्रदान की गई है, वो है महत्वपूर्ण। उसके बाद आगे जो निर्माण हो रहा है वो उच्च स्तरीय आत्माओं के द्वारा हो रहा है। ये चीज़ मैं इसलिए स्पष्ट कर रही हूँ क्योंकि जब हम सोल वर्ल्ड की बातें करते हैं तो बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम ऊर्जा के स्तर पर ही समझ सकते हैं, हम दुनियावी तरीके से उसे नहीं समझ सकते। जैसे कि बहुत एक सीधा सा सरल सा जवाब आ जाता है, सवाल आ जाता है कि ये आपने कैसे कह दिया कि सोल वर्ल्ड में नदी होती है या सोल वर्ल्ड में भोजन आ जाता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो दुनियावी चीज़ें हैं, क्या सोल वर्ल्ड में शरीर होता है, यहाँ तक भी सवाल आए हैं। इस चीज़ को अगर आप इस धरती के मनुष्य की तरह भौतिक नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा। इसे आप ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में समझिए, क्योंकि अब ऊर्जा तो हर जगह है ना, इस हवा में भी ऊर्जा फैली हुई है। आप टीवी चलाते हैं, टीवी में फोटोज़ आती हैं, फिल्में आती हैं, वो कितनी पुरानी पुरानी, 100 साल पहले कोई पिक्चर बनी है वो भी आ जाती है। तो क्या वो 100 साल पहले का वक्त एग्जिस्ट करता है? क्या वो लोग भी हैं जीवित जो उस 100 साल पहले की पिक्चर में काम कर रहे हैं? लेकिन वो आ जाती है टीवी पर, इस हवा के माध्यम से ही आ जाती है, तो वो भी तो ऊर्जा ही है ना। तो इसी तरह से ऊर्जा चाहे हमें आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन वो अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करती है और सोल वर्ल्ड में इसी के आधार पर कार्य होता है। जैसे इस धरती पर भी बहुत से लोग होते हैं ना जो बहुत एकांत पसंद होते हैं, इसी तरह से सोल वर्ल्ड में भी बहुत सारी सोल्स होती हैं जो एकांत पसंद होती हैं। अब इस कैटेगरी में मोस्टली दो सोल्स आती हैं, दो कैटेगरी की सोल्स, जो या तो धरती पर बहुत मुश्किल जीवन जी के गई हैं तो वो सोल वर्ल्ड में भी शांत ही रहना चाहती हैं, या फिर जैसे सन्यासी प्रवृत्ति की आत्माएं होती हैं ना, बहुत बहुत शांत सन्यासी प्रवृत्ति की आत्मा, असली सन्यासी जिन्हें कहते हैं ना, चाहे वो धरती पर हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे घरों में रहते हैं, हमारे जैसे उनके परिवार होते हैं, लेकिन वो दिल से सन्यासी हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ कि सन्यासी का मतलब वो नकली सन्यासी नहीं जो
कुछ खास तरह के कपड़े पहन के पहाड़ों पर निकल जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, उनकी बात कर रही हूँ जो इसी धरती पर रहते हैं, आप ही की तरह रहते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं, सामान्य कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से बहुत शांत और सुलझा हुआ एक व्यक्तित्व है, जैसे सन्यासी। एक बहुत खूबसूरत लाइन भी यहाँ कही गई है कि अधिकतर आत्माएं कुछ एकांत के साथ पूर्णतया नया यौवन प्राप्त करती हैं। ये लाइन है छोटी सी, लेकिन इसका मतलब बहुत डीप है। जैसे कई बार बहुत आप जिंदगी की उथल पुथल में व्यस्त हैं, तो अपने आप को अगर आप सबसे डिटैच कर लेते हैं, अकेले ही कहीं शांत, या कहीं चले जाते हैं, या अपने ही घर में शांत कमरे में बैठकर कुछ चिंतन मनन करते हैं, तो आपकी जो मन की उलझन है आप उसे सुलझा कर बाहर निकलते हैं, अपने आप को एक सल्यूशन देके रास्ता रास्ता दिखाकर अपने मन को बाहर निकलते हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये काम आपका मन आपके लिए करता है, आप खुद अपने लिए करते हैं, ये एकांत की शक्ति आपके लिए करती है। वो ताकत, वो जब आप अपने मन को सब तरफ से डिटैच कर कर विचारों को कम कर कर केंद्रित कर कर सोच पाते हैं ना, वो वाली शक्ति काम करती है। इसी तरह से सोल वर्ल्ड में भी बहुत सी आत्माएं हैं जो एकांत में और भी ज्यादा निखरते हैं। उन्हें जो अवकाश का वक्त मिलता है, जिसका जिक्र मैंने पिछली कड़ी में किया था, उस अवकाश के वक्त को भी वो एकांत में रहते हुए यूज करते हैं। और इस तरह की ज्यादातर आत्माएं कुछ ऐसी हो सकती हैं कि वो धरती पर भी एक सच्चे सन्यासी का रोल प्ले करती हैं। अब यहाँ पर मैं एक माध्यम ने जो एग्जैक्ट वर्ड कहे हैं वो बताना चाहूँगी। उसने कहा कि मेरे आत्मिक ग्रुप में मुझे माला गूंथने वाला कहा जाता है। अब उसे ये क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि वो इस तरह की एक आत्मा है जो शांतिपूर्ण समय में ऊर्जा की गोलाकार पट्टियां क्रिएट करती है, उसका निर्माण करती है और फिर उसे एक साथ गूंज देती है। इस लाइन का क्या मतलब है? अब जैसे वो व्यक्ति है, वो और उसके साथ 6 और उसके आत्मिक ग्रुप के मेंबर आत्माएं हैं, ये 7 आत्माएं हैं जो बहुत निकट हैं, इस दुनिया में भी बहुत निकट हैं, आत्मिक ग्रुप की भी मेंबर हैं, तो ये बहुत सारे जीवन जीती हैं ना, इतने घटना चक्र होते हैं, सब कुछ होता है, खेल भी होता होगा, कुछ बुरी घटनाएं अच्छी घटनाएं सब होती होंगी, तो वो सब के जो सीख है, जो अनुभव है, उसे वो आत्मा एक तरह से रिक्रिएट करती है। और दरिया बुनना मीन्स जैसे जैसे वो उन सारे एक्सपीरियंस को, जो उन 6-7 आत्माओं ने धरती पर घटनाकर्म हुए ना, घटनाकर्म जिए, तो उन्हें आपस में गूंथ देती है कि ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, और इस घटना को इस तरीके से करते तो ये होता, फिर उसका रिएक्शन ये होता और वो व्यक्ति फिर इस तरह से करता। इस बात को समझिए कि इस धरती पर जो जीवन जिया, जो घटनाएं घटी, जो लोगों के बीच में कार्मिक अकाउंट बने, वो ऊर्जा है, उसी सेम ऊर्जा को सोल वर्ल्ड में क्रिएट किया जा रहा है। अगर वहाँ क्रिएट किया जा रहा है तो मतलब वो उसी तरह की घटनाओं को वहाँ पर क्रिएट कर रहा है ना, सोल वर्ल्ड में सेम घटना चक्र वहाँ पर क्रिएट कर रहा है। और किस तरीके से क्रिएट कर रहा है? इस तरीके से क्रिएट कर रहा है जैसे अकेले ही बैठ के हम कई बार चिंतन मनन करने लगते हैं ना कि उस स्थिति में हमने ये नहीं करा होता, उसने ऐसे कर दिया होता तो ऐसे होता और उसका नतीजा फिर ये होता। इस तरीके से वो काम कर रहा है, धरती पर जो उसने पल बिता दिए हैं जीवन के, उनके विषय में इस तरीके से वो एक एनालिसिस कर रहा है उनका, अपने खाली वक्त में जो उसको अवकाश का वक्त मिला है, ये काम करने के लिए उसे वक्त नहीं मिला है, लेकिन वो अपने अवकाश के वक्त का प्रयोग इस तरीके से कर रहा है। धरती पर भी कुछ लोग होते हैं ना जिनको जब छुट्टी का वक्त भी मिलता है तो उसका भी बड़ा कुछ क्रिएटिव सा यूज़ करना चाहते हैं, उसको भी खेल कूद में नहीं जाने देना चाहते हैं, उनको लगता है कि खाली वक्त में भी मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ कर लूँ, मैं अपने काम से रिलेटेड कुछ सीख लूँ, वो इस तरीके की चीज़ों में अपना वक्त इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह से कुछ सोल्स ऐसी हैं जिन्हें अवकाश का वक्त तो मिलता है, लेकिन वो उस वक्त का इस्तेमाल भी जो जीवन चक्र जी कर आई हैं उसका एनालिसिस करने में ही इस्तेमाल करती हैं। आगे उसने एक बहुत सुंदर लाइन कही, उसने कहा, विभिन्न पदार्थों की ऊर्जा के गुणों को गूंथ कर अपने जीवन के अनुभव की विभिन्नता को प्रदर्शित करता हूँ।
अब आगे एक बहुत ही अनबिलीवेबल तो मैं नहीं कहूँगी, क्यों, क्योंकि मेरे लिए ये अनबिलीवेबल नहीं है, क्योंकि सोचने का नज़रिया जब आपका अलग हो जाता है ना, ऊर्जा के स्तर पर आप सोचने लगते हैं, आप एक मृत्यु के बाद की दुनिया के तर्क वितर्क करके, कुछ लॉजिकल उन पर रिसर्च करके उसकी सत्यता को समझने लगते हैं, तो इतना अनबिलीवेबल भी नहीं रहती ये बात। लेकिन जो लोग पहली बार ये वीडियो सुन रहे हैं और अभी उनको इस ज्ञान की इतनी डीप समझ नहीं है, उनके लिए तो ये अनबिलीवेबल ही है। वो ये कि कुछ माध्यम एक अजब सी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आत्मलोक में जो एकांत है, जो शुद्ध विचारों की पवित्र ऊर्जा है, उसके अंदर रहते हुए उस सत्ता को स्पर्श करने की बहुत इच्छा महसूस होती है, बहुत बहुत इच्छा। और कुछ एक लोग, इस लाइन पे ध्यान दीजिए, अपने आप में ही बड़ी खूबसूरत है, कि कुछ एक लोग ये भी कहते हैं कि इस इच्छा की पूर्ति का एक सफलता का क्षण भी हमने जिया है। मैं यकीन कह सकती हूँ कि उन्होंने इन क्षणों को छू के नहीं, सिर्फ अंतरात्मा से महसूस किया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब देखिए सोलबर्ग का कितना शांत, कितना पवित्र माहौल है ना, एकदम शांत, एकदम पवित्र। और आप अपनी आत्मा को जानते हैं, आप अपनी जर्नी को जानते हैं, अपने गुणों अवगुणों को जानते हैं, आपको क्या हासिल करना है आप जानते हैं, कौन आपका मित्र है, यहाँ तक कि जो दुश्मन है वो भी आपको क्या सिखाने के लिए आए थे धरती पर, ये भी आप जानते हैं। तो टोटली कितना नज़रिया अलग है ना सोलबर्ग में। बस ये जो अलग नज़रिया है, ये जो वहाँ के माहौल की शुद्धता है, ये जो वहाँ का एकांत है, और ऊर्जा का सारा गेम जो आपकी समझ में आ रहा है, उसके बाद उस परम ईश्वर को, जैसे कि मैंने अभी शुरू शुरू में कहा था ना कि हमें तत्व मिलते हैं जिन तत्वों से हम चीज़ों का निर्माण करते हैं, पेड़ पौधे या जीव जंतु, लेकिन इस तत्व का निर्माण भी तो कोई करता है ना, वो कौन है? उसको कहा गया है ना परमात्मा। अभी तक तो हम किसकी बात कर रहे थे? सुप्रीम सोल्स की बात कर रहे थे कि बहुत सुपीरियर हैं, उच्च श्रेणी की हैं, लेकिन यहाँ उस परम तत्व की बात हो रही है, परमात्मा की बात हो रही है। उसको फील करने की कुछ आत्माओं ने इच्छा महसूस करी। उन्होंने कहा कि हमें कुछ सफलता भी मिली। अब यहाँ पर सफलता उन्हें यकीनन परमात्मा को देखने की या छूने की नहीं मिली है, सिर्फ अंतर आत्मा से उन्होंने महसूस किया होगा। और अब जब ये खेल समझ में आता है कि सब कुछ ऊर्जा का गेम है, तो एक चीज़ और बड़ी आसानी से समझ में आती है कि परमात्मा भी सचमुच अंतरात्मा से महसूस करने के लिए तो है, वही तो है, साक्षात उसका रूप हम देखने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर ही तो है। तो उन क्षणों को भी बहुत सारी सोल्स हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, एकांत के उन पवित्र क्षणों में इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है। अब ये कौन सी सोल्स हैं? ये वो सोल्स हैं जो बहुत ज़्यादा, जैसे धरती पर भी कोई अच्छा सन्यासी होगा तो वो लाइफ में, लोगों की लाइफ में, समाज में एक पॉजिटिविटी लाने की वजह बनेगा, लोगों के जीवन को सुकूनमय बनाने की वजह बनेगा। इसी तरह से जो ये आत्माएं हैं जिन्हें आप सन्यासी कैटेगरी की कह सकते हैं, ये भी सोल वर्ल्ड में बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जो बहुत पॉजिटिव ऊर्जा का क्रिएट वो कर पाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अब इस तरह की जो सोल्स हैं, अब जैसे मैंने पिछली कड़ी में जिक्र किया था ना कि अवकाश के समय में सोल्स किस तरीके से अपना वक्त स्पेंड करती हैं, ये जो हैं इनको भी अवकाश का वक्त मिलता है, लेकिन ये शांत तरीके से एकांत में अपने अवकाश को व्यतीत करती हैं। फिर एक आती है तीसरी कैटेगरी, वो सोल्स भी हैं जिन्हें अवकाश का वक्त मिलता है, लेकिन वो उस वक्त में इस धरती पर आती हैं। अब इस धरती पर आने के बाद वो अपने अवकाश के क्षणों को कैसे जीती हैं, इसका जिक्र तो मैं अगली कड़ी में करूंगी। और इस वीडियो से जो पिछली वीडियो है जिसमें आत्माएं सोल वर्ल्ड में रहते हुए अपने अवकाश के वक्त को कैसे यूज़ करती हैं ये बताया गया है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप सब, मैं अपने जो नए व्यूवर्स हैं उनको तो मैं नहीं कहूँगी, क्यों, क्योंकि मुझे पता है जो लोग पहली बार ये वीडियो सुन रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को तो समझ ही नहीं आ रही होगी, लेकिन आप जो पुराने श्रोतागण हैं आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़
मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, मैं अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मैंने की है। अभी तक मैं लिंक शेयर नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने लिंक भी शेयर करने शुरू करे हैं। थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि बैकग्राउंड साउंड थोड़ी कम हो, वैसे ऐसा हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। थोड़ा अपने समझाने के तरीके में भी मैं फेरबदल कर रही हूँ, ताकि मैं इस मुश्किल ज्ञान को थोड़ा ईजी कर सकूँ। तो मैं अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हूँ, थोड़ी सी सहायता मेरी आप भी कीजिए। एक बहुत छोटा सा, चाहे हेलो ही लिख दीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए, बहुत लंबा अरसा हो गया है, लेकिन इस ज्ञान का प्रसार उस तरीके से नहीं हो पा रहा जिस तरीके से मैं चाहती हूँ कि हो। क्योंकि आप अगर एक छोटा सा लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे, तो इससे ये ज्ञान जो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, उन तक जो सुकून पहुँचेगा, वो भी तो एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है ना, जो आप ही के द्वारा इनडायरेक्टली क्रिएट हो रही है। इस पूरे YouTube पर आप जिस भी तरह की वीडियोस देखते हैं, जिस भी तरह के कमेंट करते हैं, जिस भी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं, तो वो भी तो उन वीडियोस को आगे बढ़ाने की वजह बनता है, और इनडायरेक्टली आप उसी तरह की ऊर्जा के निर्माण की भी वजह बनते हैं। तो जब इतना एक सरल विधि है कुछ इस ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी को अपनी तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन देने की, तो हम क्यों ना दें। इस वीडियो की पिछली वीडियो और मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। निकोला टेस्ला।